सबसे पहले तो सर ज़मीन बहुत ख़राब थी, तो हम लोगों ने इसकी घास वगैरह सब साफ़ की और सब, और जो प्रॉब्लम हो रही थी वो हम लोग सही एक आयत निकाल नहीं पा रहे थे इसमें। फिर काफ़ी कोशिशों के बाद हम लोग एक आयत निकाले, फिर उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने ड्रोन मंगवाया, तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद ड्रोन वाला आया। यह चित्र देश में एकता और अखंडता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। आपको जानकर हैरत होगी कि 10,000 स्क्वायर फीट में बनाए गए इस चित्र को बनाने वाले युवा रवि धीमान हैं, जिनको आपने वीडियो की शुरुआत में देखा। रवि एक आर्टिस्ट हैं और बाराबंकी के नानमऊ के रहने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा को देखने वालों का तो तांता गुजरात में लगा रहता है, लेकिन जनपद बाराबंकी की इस प्रतिभा को देखने वालों की कमी है। ऐसी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने वालों की रवि धीमान और उनकी टीम ने दिन रात अथक प्रयास कर यह चित्र तैयार किया। चित्र तैयार करने का क्या उद्देश्य रहा, यह रवि के ही मुंह से सुनिए। जो युवा हमारे साथ बैठे हैं, इन्हीं युवा की मेहनत है जो आप देख रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये काफ़ी बड़ा चित्र है। ये इतना बड़ा चित्र बनाने में एज्यूम करना कि कहाँ पर मुँह बनना है, कहाँ पर नाक बननी है, कहाँ पर आँखें बननी, ये कैसे संभव किया आपने? सर, इसके लिए हमने ग्रिड मेथड का यूज़ किया है। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई, और क्योंकि सबसे पहली बात थी कि मैदान खाली ऊंचा था, तो हम लोग इसमें एक सही आयत नहीं निकाल पा रहे थे। तो जब हम लोगों ने किसी तरह से कोशिश करके एक आयत निकाली, फिर उसको चेक करने के लिए ड्रोन मंगवाया, तो ड्रोन वाले ने केवल ऊपर से जाके फ़ोटो क्लिक करवाने के लगभग 2,000 रुपये चार्ज किए, और जो कि काफ़ी हम लोग के हिसाब से काफ़ी महंगा था। तो हम लोगों ने देखा तो उसमें भी आयत सही नहीं था, मगर हम लोग बार बार उससे चेक नहीं करवा सकते थे क्योंकि वो चार्ज ज़्यादा ले रहा था। तो जैसा बना था उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया, ग्रिड बनाई, और जो मेज़रमेंट था वो हम लोगों ने ग्रिड के माध्यम से लिया, और फिर बनाने के बाद हम लोग कम से कम 11 दिन इस पर काम किए बिना चेक किए कि कैसा बन रहा है। जब लास्ट दिन इसका हम लोग अनावरण करवाना चाहते थे, तो उस दिन काफ़ी सुबह से टेंशन थी कि आखिर बना कैसा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने, गाँव वालों ने सपोर्ट किया और प्रधान जी ने सपोर्ट किया, हमारी टीम ने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया 11 दिन, मगर हम लोग को ये नहीं पता था कि हम लोग आखिर बना क्या रहे हैं, कैसा बना है। मगर जब थोड़ा प्रधान जी की हेल्प से एक ड्रोन मंगवाया गया, तो फिर जब वो ड्रोन में हम लोगों ने फाइनल शॉट देखा, तो तब जाके दिल को तसल्ली मिली कि हम लोगों ने जो भी इतने दिन से मेहनत की है वो सफल रही। अच्छा, क्या क्या सामग्री का प्रयोग आपने इसमें किया? जैसे इतना बड़ा 10,000 स्क्वायर फीट में जो आपने ये तैयार किया है, काफ़ी सामग्री लगी होगी, क्या क्या सामग्री लगी इसमें? सर, इसमें लगभग 16 बोरी 50-50 किलो वाली जो 16 बोरी चूना का यूज़ किया गया है, और 1.5 क्विंटल रंगोली पाउडर का यूज़ किया गया है, और लगभग 20 किलो जो कोयला होता है, पीसा कोयला, उसका यूज़ किया गया है, और लगभग 50 किलो इसमें गुलाल का प्रयोग किया गया है। किसी भी कलाकार की कला की तारीफ होना ही उसके लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। रवि और उनकी टीम ने इस चित्र को बनाने में जो संघर्ष किया वह शायद किसी को न पता हो। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल इस चित्र को बनने में काफ़ी समय लगा और कई मुश्किलों का सामना भी रवि की टीम को करना पड़ा, जैसे जगह की तलाश करना, चूने का प्रबंध करना, ड्रोन कैमरे का प्रबंध करना आदि। हालांकि ग्राम प्रधान ने इन युवाओं की यथासंभव मदद की, युवाओं के जज्बों को सहारा मिला और उन्होंने बिना रुके बिना थके यह कारनामा कर दिखाया। आज इस चित्र की चर्चा तो पूरे जनपद में हो रही है, तमाम लोग इसे देखने भी पहुंच रहे हैं, लेकिन इन कलाकारों का दुख सिर्फ द कैमरा 1999 ने जाना। देश की प्रतिभाओं का उचित सम्मान न होना युवा प्रतिभाओं के दमन का कारण बन जाता है। युवाओं ने जिले का नाम रोशन किया, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि इन युवाओं की आर्थिक मदद कर इनका उत्साह बढ़ाया जाए। खैर, कई समाजसेवी इन युवाओं तक पहुँच रहे हैं, इनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस प्रतिभा को वैश्विक पटल की ओर ले जाने वाले हाथों का सहारा रवि धीमान और उनकी टीम को अभी तक नहीं मिल पा रहा। गुजरात में बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रदर्शनी में यह चित्र दिखाए जाने से न सिर्फ इन युवाओं को हौसला मिलेगा, बल्कि इन युवाओं की मेहनत को उचित स्थान और सम्मान भी मिलेगा। साथ ही देश की ऐसी महान विभूतियों के प्रति देशवासियों के दिल में जो स्थान है, उससे पूरी दुनिया भी रूबरू हो सकेगी। काफ़ी रुपए खर्च हुए होंगे, तमाम जनप्रतिनिधि भी आ चुके हैं, क्या लगता है जो लोग भी आए यहाँ पर, आपको किसी आर्थिक सहायता या भविष्य के लिए कोई ऐसी सहायता देने की बात हुई, या किसी ने ऐसा सपोर्ट आपको किया, आर्थिक सहायता आपको दी? सर, आर्थिक सहायता से संबंधित तो सर कोई हम लोग को सहायता नहीं प्रदान की गई है, और जैसा कि सपोर्ट की बात करें तो सभी ने आश्वासन दिया कि हर आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, हम लोग आपके साथ हैं, हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा, ये थे रवि धीमान जी।
जिन्होंने देश के जाने माने जो एक व्यक्तित्व हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका इतना बड़ा चित्र बनाया जिसकी चर्चा आज सिर्फ बाराबंकी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि भी इसको देखने आए, लेकिन कभी ये बात नहीं सोची गई कि जब कोई देश का युवा इस तरह का सार्थक प्रयास करता है और देश को एकता और अखंडता का संदेश देने का प्रयास करता है तो उसके तमाम और तरीकों से भी मदद की जा सकती है। जैसा कि रवि जी ने बताया कि उन्हें अभी किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने और गाँव के प्रधान ने इनका सपोर्ट जरूर किया है। ऐसे में हम एक संदेश उन लोगों को देना चाहते हैं जो सोशल मीडिया से लेकर तमाम उन मंचों पर ये ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि इस युवा की हम मदद करेंगे, इसकी मदद करेंगे। ऐसे लोगों से हम आह्वान करते हैं कि जो आर्थिक मदद होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आर्थिक मदद के बिना कोई काम किया नहीं जा सकता। तो तमाम जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इस युवा की मदद करना चाहें, सहायता करना चाहें, तो बाराबंकी के इस नानमऊ स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में आ सकते हैं, इस युवा से मिल सकते हैं, इसे बधाई दे सकते हैं, ताकि भविष्य में ये और इनकी टीम भारत का नाम विश्व पटल पर ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत रहें। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह और अंकित वर्मा के साथ नितेश मिश्रा।